तो गाइज हनी सिंह और हमारे पावर स्टार पवन सिंह का एक ऐसा सॉन्ग जो कि भोजपुरी से लेके बॉलीवुड में हड़कंप मचाने वाला है। जी हाँ गाइज, तो पावर स्टार पवन सिंह अगर फैन है आप, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स और ऐसे ऐसे पवन सिंह के बारे में जानकारी है जो कि आप मिक्स करना नहीं चाहोगे। जी हाँ गाइज, तो क्या है पावर स्टार पवन सिंह का अपडेट, क्या है लेटेस्ट न्यूज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइज, बॉलीवुड के सबसे मशहूर रैपर और सबसे महंगे रैपर जो कि तकरीबन 75-76 लाख रुपए अपने एक रैप सॉन्ग का लेते हैं हनी सिंह, और वैसे ही भोजपुरी के सबसे मशहूर और सबसे पैसा लेने में सबसे ज़्यादा खर्चीले एक्टर हमारे पावर स्टार पवन सिंह एक साथ गाना बनाने जा रहे हैं। जी हाँ गाइज, इन दोनों के सॉन्ग का बजट क्या रहता है मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन सिंह भी तकरीबन 20-25-30 लाख के बजट का भोजपुरी में सॉन्ग करते हैं, और बॉलीवुड में तो तकरीबन 50-60 लाख का बजट करते ही हैं। वैसे ही हनी सिंह भी 1-2 करोड़ का बजट वाले सॉन्ग करते हैं, और ऐसे में जब दोनों स्टार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बजट का तो अंदाज़ा बाहर जा रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ, पहले कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। जी हाँ गाइज, तो पावर स्टार पवन सिंह और हमारे हनी सिंह मिलकर लॉलीपॉप 2 वर्जन बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइज, लॉलीपॉप 1 का तो पवन सिंह का हनी सिंह वर्जन बना चुके हैं अपने अंदाज में रैप करके, लेकिन ये 2 वर्जन बहुत खतरनाक होने वाला है, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह का होगा मीठा आवाज़ और हनी सिंह उसमें तीखे अंदाज में रैप करेंगे, जो कि आप अंदाज़ा लगाओ कितना खतरनाक होगा। जी हाँ गाइज, तो पवन सिंह और हनी सिंह का बैक हो रहा है बॉलीवुड में एक बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ। तो जी हाँ गाइज, आप देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और पवन सिंह से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ गाइज, क्योंकि पवन सिंह से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल से दी जाती है। तो जी हाँ गाइज, भोजपुरी शेर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ पे भोजपुरी के शेर ही केवल आते हैं। मिलते हैं पवन सिंह किसी शेर वाले एंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।